हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। यह भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं और ऐसा कह सकते हैं कि अर्जुन के माध्यम से हमें सुना रही हैं। हमारे जीवन में अनेक तरह के प्रश्न होते हैं, अनेक तरह की समस्याएं होती हैं, तो भगवद गीता में उन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा। इसलिए हमें भगवद गीता का पाठ नित्य श्रवण करना चाहिए। किसी न किसी श्लोक में हमारे किसी न किसी प्रश्न का उत्तर अवश्य छिपा होता है। तो अभी भगवान चौथे अध्याय के माध्यम से दिव्य ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, या कह लीजिए हमें दे रहे हैं। तो भगवान इस समय यज्ञ की बात कर रहे हैं। चार तरह के अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं, द्रव्य यज्ञ, तपोमय यज्ञ और योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। और भगवान कहते हैं कि यज्ञ के बिना अगले जन्म में तो क्या सुखी रहेगा, इस जन्म में भी सुखी रह पाना असंभव है, इसलिए हमें कोई ना कोई यज्ञ करना चाहिए, ऐसा भगवान बता रहे हैं। और हमें कलयुग में कौन सा यज्ञ करना चाहिए, वह है संकीर्तन यज्ञ, जो प्रैक्टिकल है, जो हम आसानी से कर भी सकते हैं। तो अब भगवान आगे इसके बारे में क्या कहते हैं, उससे पहले हम श्री कृष्ण के गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ हो और हम पाठ को ढंग से समझ पाएं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए आगे पढ़ते हैं पाठ। श्री कृष्ण अब आगे क्या कह रहे हैं यज्ञ के बारे में। हरे कृष्णा। एवं बहुविधः यज्ञः वितताः भ्रमणाः मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्णा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि जिन यज्ञों का अभी तक वर्णन हुआ है वो सभी वेद सम्मत हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बैठा था, कोई साधु संत बैठा था और उसने ऐसे ही निकाल दिया अपने मन से कि हाँ ठीक है वेद बना देते हैं, ऐसे ऐसे किया करेंगे लोग, ऐसा नहीं है। ये सभी वेद सम्मत हैं। और वेद किसने बनाए थे, वेद व्यास जी ने वेद लिखे थे, लेकिन वेद व्यास जी को किसने बताया था, वेद व्यास जी को नारद जी ने बताया था, नारद जी को किसने बताया था, ब्रह्मा जी ने बताया था, ब्रह्मा जी को किसने बताया था, स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। तो ये ज्ञान श्री कृष्ण से ही आया है, वेदों का ज्ञान, तो वेद व्यास जी ने इसको लिख दिया था हम लोगों के लिए। तो ये सभी जो यज्ञ हैं वेद सम्मत हैं, यानी कि श्री कृष्ण ने हमें भौतिक कार्यकलापों के लिए भी कुछ ना कुछ दिया है कि आप भौतिक उन्नति कैसे कर सकें। श्री कृष्ण ने दो चीजें हम लोगों को दी है, दूसरा हम भौतिक जीवन में कैसे आगे बढ़ें और पहला क्या है आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें। तो हमें एक्सेप्ट कौन सा करना है ये हमारे ऊपर है। हमें हमेशा आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन जो लोग इस तरफ नहीं बढ़ पाते तो कम से कम वेदों का पालन तो करें ही, क्योंकि वो उनकी आर्थिक उन्नति के लिए, उनके भौतिक जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक होता है। तो ये सभी यज्ञ वेद सम्मत हैं। तो कहते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं, अर्थात जो ये यज्ञ हैं ये अलग अलग लोगों के अलग अलग कर्ता भेद होने की वजह से, कि कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, किसी को कोई चीज़ पसंद है किसी को कोई चीज़ पसंद है, तो उनके अनुसार अलग अलग यज्ञ बनाए गए हैं। किसी को आर्थिक उन्नति करनी है, किसी को परिवार में उन्नति करनी है, किसी को आदर सम्मान चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, सबका अलग अलग उद्देश्य होता है जीवन में उन्नति करने का। तो उन सबके अनुसार ये अलग अलग तरह के यज्ञ बनाए गए हैं कि किसको क्या चाहिए। दूसरा, देहातम बुद्धि से सभी लीन होते हैं। देहातम बुद्धि मतलब जिसके अंदर देह आत्मा और हमारी बुद्धि होती है, ये तीनों चीजें मिलकर जो इंसान कर सकता है उसके अकॉर्डिंग ये सभी यज्ञ बनाए गए हैं। यानी कि इन तीनों चीजों से ही हम कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं ना, इसके अलावा तो हमारे पास कोई और शक्ति है नहीं। हमारे पास अपना शरीर है, हमारी आत्मा है, हमारी बुद्धि है, इन्हीं चीजों से हम
कोई कार्य संपन्न कर सकते हैं, तो हमारी इस लिमिट में जो हम संपन्न कर सके उसी के अनुसार यज्ञों का विधान दिया गया है। और उन यज्ञों का वैसे मेन उद्देश्य क्या होता है? भगवान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। तो हमें इन यज्ञों का अनुष्ठान हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन हमें आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ना चाहिए। सिर्फ भौतिक जीवन की उन्नति की तरफ नहीं, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य मेनली क्या है? मेनली उद्देश्य तो ये है ना कि मुक्ति मिल जाए। लेकिन वो भौतिक उन्नति तो हमारी प्लस में होती है, एडिशन में होती है, लेकिन हम उस भौतिक उन्नति को एज ए प्राइमरी उद्देश्य ले लेते हैं, अपना मुख्य उद्देश्य ले लेते हैं और आध्यात्मिकता को साइड में रख देते हैं। तो यज्ञ दोनों कार्य करते हैं, भौतिक उन्नति भी देते हैं और आध्यात्मिक भी, लेकिन हम चूज कर लेते हैं भौतिक को। भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता को चूज कीजिए और इन यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। दूसरी तरफ बात आती है कि हमें कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, उससे हम दोनों तरह की उन्नति प्राप्त कर सकेंगे, हरे कृष्णा। लेकिन यहाँ पर कृष्णा ने सिर्फ वेद सम्मत यज्ञों के बारे में बताया था, लेकिन हमें साथ में संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यह वेद सम्मत जो यज्ञ है वो हमसे हो पाना थोड़ा कठिन रहता है कलयुग में। तो अब आगे बढ़ते हैं, श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कह रहे हैं, हरे कृष्णा। श्रेयं द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, हरे कृष्णा। हे परन्तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है, हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो ये द्रव्य यज्ञ होता है, स्वाहा स्वाहा ऐसा ऐसा जो हम यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, इससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? ये श्रवण क्रिया द्वारा होता है ज्ञान यज्ञ। जैसे इसको कुंड समझ लीजिए, कान का जो हमारा छिद्र है इसको हवन कुंड समझ लीजिए, गुरु के मुख से निकली हुई वाणी इसके अंदर डलती है आहुति के रूप में, स्वाहा स्वाहा, वो ज्ञान यज्ञ हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि यज्ञ से हमें दो चीजें मिलती है, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। तो भगवान हमेशा आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने को कहते हैं, लेकिन तब भी अगर कोई इंसान आध्यात्मिकता की तरफ नहीं बढ़ रहा तो कम से कम भौतिक उन्नति के लिए तो यज्ञ करना आवश्यक है ही, जो वेद सम्मत है, तो कम से कम वह तो कीजिए ही। क्योंकि उससे पिछले श्लोक में भी कहा था, इस जीवन में उन्नति के लिए तो हमें कम से कम यज्ञ करने ही पड़ेंगे, अगले जन्म की तो बात दूर की है। तो अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इस स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जिस यज्ञ का अंत ज्ञान में होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन यज्ञों का प्रयोजन एक ही है कि इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो सके, सिर्फ भौतिक उन्नति की तरफ ना जाए, क्योंकि यज्ञ का मेन उद्देश्य तो यही होता है कि परमेश्वर की प्राप्ति की जाए। अगर परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम यज्ञ नहीं करते तो वो सिर्फ भौतिक कर्म बन के रह जाता है। कभी कभी इन यज्ञों को फिर हम कर्मकांड भी कहते हैं, लेकिन यज्ञ वही अच्छा है जिसके अंदर ज्ञान कांड हो, जिसके अंदर ज्ञान कर्म हो, वही यज्ञ अच्छा है जिसके अंत में ज्ञान हो, वही सर्वश्रेष्ठ है जो हमें ज्ञान दे जाए और उस ज्ञान से हम फिर परमेश्वर की भक्ति कर पाए, उनकी सेवा कर पाए। यही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, अतः हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है वो श्री कृष्ण हमें आगे बताएंगे, लेकिन पहले ही आपको एक लाइन में बता देते हैं, सर्वश्रेष्ठ है भक्ति। ज्ञान योग, ध्यान योग, यज्ञ, इन सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग होता है। लेकिन अभी के लिए द्रव्य यज्ञ से भौतिक वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान वाला यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कह रही हैं। अब ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा ये भगवान अगले श्लोक में हमें बताएंगे। कोई इसके लिए स्कूल कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, हमें कहाँ से ये ज्ञान मिलेगा ये कृष्ण अगले श्लोक में बताएंगे और ये हम कल के डेट में करेंगे, हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने भगवद गीता से ये सीखा कि हमें कोई ना कोई यज्ञ तो अवश्य करना ही चाहिए। अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं तो कम से कम हमें भौतिक उन्नति तो चाहिए ही। दो ही चीजों इंसान चाहता है, या तो चाहता है कि मेरी मटेरियल प्रोग्रेस हो, मेरे पास धन हो, परिवार हो, सुख सुविधाएं हो, या इंसान चाहता है कि मैं भगवान की तरफ बढ़ूं। ऐसा कौन इंसान होता है जो दोनों चीजें नहीं चाहता? जिसके पास बुद्धि नहीं होती वह ही हो सकता है कि वो कोई भी चीज नहीं चाहता कि ठीक है चलो। जो एक भक्त होता है वो हमेशा आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है, भगवान को ही चाहता है। तो
ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो दोनों में से कुछ नहीं चाहता। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि हमें कोई ना कोई यज्ञ करना चाहिए, चाहे भौतिक उन्नति के लिए ही सही, क्योंकि उन यज्ञों का भी मेन उद्देश्य भगवान की तरफ जाना ही होता है। कभी ना कभी तो आप भगवान की तरफ जाने का प्रयास करेंगे ही, तो इसलिए कोई ना कोई यज्ञ करना चाहिए। दूसरी बात भगवान ने बोला है कि इस द्रव्य यज्ञ से, स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ से अच्छा है ज्ञान वाला यज्ञ, तो हमें ज्ञान वाले यज्ञ की तरफ बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसाद गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।